ज्यादा कोई नहीं पहचानता। उसका अगला कदम क्या होगा? आई अंडरस्टैंड। Then remember what I taught you, Khaled. मौका मिला तो कॉलेज चला देना। सोचना मत। मैं नहीं सोचूंगा। आखिर कब आने वाली है वॉर 2? क्या टाइगर नहीं होंगे फिल्म का हिस्सा? क्या ऋतिक के सामने होंगे शाहरुख खान? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। आज से 3 साल पहले आई इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की सुपर ब्लॉकबस्टर फिल्म वॉर ने बॉलीवुड की एक मोस्ट डिमांडेड जोड़ी को फैंस के सामने रखा, ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ, बॉलीवुड के दो मोस्ट टैलेंटेड एक्टर्स। दोनों ही एक्टर्स अपने लुक, डांसिंग एबिलिटीज और फिल्मों में बेहतरीन एक्शन परफॉर्मेंस की वजह से फैंस के फेवरेट हैं। तो ऐसे में दोनों का एक ही फिल्म में देखना फैंस के लिए किसी मिरेकल से कम नहीं था। 2019 में रिलीज हुई वॉर यशराज फिल्म्स में द्वारा प्रोड्यूस की गई थी और फिल्म को सिद्धार्थ आनंद ने डायरेक्ट किया था, जो अपनी एक्शन फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। फिल्म 150 करोड़ के बड़े बजट पर बनी थी और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। वर्ल्ड वाइड फिल्म ने 525 करोड़ का ग्रैंड बिजनेस किया और 2019 की हाईएस्ट ग्रोसिंग हिंदी मूवी बनी। लेकिन फिल्म के नाम सिर्फ यही रिकॉर्ड नहीं है, वॉर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की हाईएस्ट ओपनिंग डे कलेक्शन मूवी बनी रही। फिल्म में ऋतिक और टाइगर की जुगलबंदी फैंस को इतनी पसंद आई कि फैंस इसे दोबारा बड़े पर्दे पे देखने की डिमांड करने लगे। हालांकि अगर फिल्म की कहानी की बात करें तो टाइगर का फिल्म में वापस आना थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू स्टोरी फिल्म में खालिद यानी टाइगर का कैरेक्टर ऋतिक के हाथों मार दिया जाता है और उसके बाद ही फिल्म एंड हो जाती है। हालांकि फिल्म की एंडिंग में ऋतिक फिल्म के सीक्वल से रिलेटेड एक इशारा देते नजर आते हैं। फिल्म में ऋतिक का कैरेक्टर मेजर कबीर कहता नजर आता है कि अब वो रॉ के बाहर रहकर ही देश की सेवा करेंगे और आगे जाकर वो दोबारा वापस आएंगे, और उसके आखिरी शब्द होते हैं वॉर इज स्टिल ऑन। इसका सीधा मतलब है कि वॉर का सीक्वल आना तय है, लेकिन वॉर में हमें ऋतिक तो दिखेंगे बट टाइगर का दिखना पॉसिबल नहीं है। लेकिन 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 आपको बता दें कि ये फिल्म का हिस्सा थी यशराज स्पाई यूनिवर्स की, जो कि रॉ एजेंट्स से रिलेटेड मूवी बनाने के लिए जाना जाता है। यशराज यूनिवर्स की अभी तक 3 मूवीज थिएटर्स में रिलीज हो चुकी हैं। एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है और वॉर, और इसके आने वाले प्रोजेक्ट में शाहरुख की पठान, सलमान की टाइगर 3 और वॉर का अनटाइटल्ड सीक्वल शामिल है। अब जैसे कि आपको पता है कि शाहरुख की आने वाली फिल्म पठान में सलमान का टाइगर के किरदार में एक कैमियो होने वाला है, इसके पीछे का एक ही लॉजिक है कि दोनों ही फिल्म एक ही यूनिवर्स के अंतर्गत बनाई जा रही हैं। अब क्योंकि पठान वॉर 2 से पहले थिएटर में आने वाली है, तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आने वाली वॉर के सीक्वल में हमें शाहरुख एज अ पठान नजर आ सकते हैं। लेकिन सोर्सेज की माने तो फिल्म में शाहरुख एक कैमियो करते हुए नजर आने वाले हैं, और अगर ऐसा होता है तो वो दिन दूर नहीं है जब हम ऋतिक, शाहरुख और सलमान एक साथ बड़े पर्दे पर देखेंगे। आप हमें कमेंट में बताइए कि आप ऋतिक के सामने इस बार किसे देखना चाहते हैं। आपकी नजर में ऐसा कौन है जो टाइगर की जगह ले सकता है? आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।